अरे हाँ भाई हाँ, 4 दिन से गायब है। रिश्ते में तो वो हमारे मामा लगते हैं। दिखते कैसे हैं? अरे बहुत स्मार्ट दिखते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। नहीं भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे मामा सचमुच खो गए हैं। एक मिनट यार, बाद में बात करते हैं। हाँ लिखिए, रंग गोरा सा, गोल मटोल से, कद छोटा, सुना आपने? हेलो फायर ब्रिगेड, बाद में बात करते हैं। टिंग टोंग। अरे मामा, आप 4 दिन, आप 4 दिन से कहाँ गायब थे? गोवा, आई लव गोवा। गोवा? वहां तो सारे जेल भरे हुए हैं, आप ठहरे कहाँ थे? इस बार मैं जेल में नहीं, एक शानदार होटल में ठहरा था। अरे मामा, पर आप ये बताइए कि आप गोवा गए क्यों थे? अरे गया नहीं था, गलती से पहुंच गया। है? गलती से गोवा पहुंच गए? हाँ, हुआ ये कि मैं गोराई बीच में बैठा मछली पकड़ रहा था, और एक बड़ी सी मछली आई और मेरा चारा उसने खाया और वो मेरे कांटे में फंस गई। अरे मामा, मछली भी खा लेंगे, पर आप गोवा कैसे पहुंचे? सुन तो ले, वही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि वो मछली गोवा की रहने वाली थी, कांटे में फंसते ही वो वापस घर की तरफ भागी और मैं उसके पीछे। वाह, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो मछली की तारीफ कर रहा हूँ। क्या हिम्मती मछली, बताओ, मामा जी को खींच ले गई। हट। और तकलीफ तो बहुत हुई होगी? नहीं, लेकिन सारी तकलीफें दूर हो गई जब मैं गोवा के उस सी व्यू होटल में 4 दिन ठहरा। आह, क्या मजे किए, क्या मस्ती की। बिल भी बहुत तगड़ा आया होगा मामा जी। 4 दिन का बिल पूरे 40,000 रुपया। संभल संभल। 40,000 रुपया 4 दिन का? मामा, ये होटल वाले क्या कमा लेते होंगे। नहीं मामा जी, ये बताओ कि आपने बिल चुकाया कैसे? अरे चुकाया किसने यार, रात को खिड़की से उतरा, बीच में गया, बंबई वाली फिश पकड़ी और ये। एनीवे मामा, सोचिए 4 दिन का 40,000 रुपए। मामा ये होटल वाले, अरे मामा मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग एक होटल खोले। हो गया, ये हो गया, बस हो गया सब कुछ। नहीं नहीं, अरे नहीं, ये है रिसेप्शन। वेरी गुड। क्या लग रहे हो यार, आ जा भाई गोल्फ कोर्स। हाँ चलो, अब सब कुछ हो गया, हो रहा रिसेप्शन। निकी और नाम क्या, कंचन। निकी और कंचन रिसेप्शन पे बैठेंगे। ढक्कन, तू साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम संभालेगा। और जमुना, तुम बनोगी ब्यूटीफुल कुक। और मैं यहाँ का मैनेजर। और वेटर? वेटर अपने मामा जी। मामा जी खोलो खोलो खोलो। एक मिनट, हंसो मत। ये चाइनीज गेटअप उन्हें खास दिया गया है ताकि हमारा ये रेस्टोरेंट थोड़ा हेप लगे। चाइनीज वेटर से नहीं, चाइनीज खाने से रेस्टोरेंट हेप लगेगा। अरे हाँ बाबा हाँ, तो चाइनीज खाना अगर कोई ऑर्डर करता है तो हमारे सोसाइटी में है ना चाइनीज रेस्टोरेंट, वहाँ से मंगा लेंगे। और वैसे जमुना तो इंडियन खाना बहुत ही आला बनाती है। मैं इंडियन खाना भी बनाएगी और इंडियन खाना भी बनाएगी। कस्टमर कस्टमर आने दो कस्टमर। हॉलिडे आउट, अच्छी जगह लगती है ठहरने के लिए। दिस इज वेरी गुड। अरे बस, ये क्या है, ये क्या? ये आपको जानकर खुशी होगी सर कि आप हमारे 1001st कस्टमर हैं। ओह वेरी गुड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। वैसे आप लोगों का रूम टैरिफ क्या है? वो तो हम देखकर बताएंगे। क्या देखकर बताएंगे आप? ये देखकर बताएंगे कि आपके पास कितने हैं। काफी हैं, काफी हैं। क्या कितने हैं? बीबी बच्चे। नो, आई एम बैचलर, यू नो। ओह रियली? एक मिनट, यू नो, दरअसल हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। किसे सर? एक मोटा सा हट। मैंने गिड्डा सा, गोरा सा, जिसकी मैं गर्दन मरोड़ने वाला हूँ। I'm sorry. Nice mustache. वैसे आपने आपका रूम टैरिफ बताया नहीं? रूम टैरिफ है 2,000 रुपया per day। अच्छा, खाने पीने के साथ? खाने का, पीने का, धोने का, खेलने का, कूदने का, हंसने का, सब कुछ है। ओके। अबे ओ झिंगे, तुझे 1,000 बार बोला ढक्कन, तू चाइनीज नहीं हो सकता।
मेरा मतलब है तू चाइनीज नहीं है, सांप का सामान ऊपर लेके जा और छुपा दे। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय छुपा दे? रख दे, रख दे। ओके, छुपा रख दे। ओके, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, वेरी गुड होटल, हॉलिडे आउट। ओके, बाय बाय बाय, आउट। चलिए चलिए चलिए, लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट दे तो रहा हूं आप। अच्छा, वेरी गुड। मामा सही बकरा फंसा है, इसको तो अच्छी तरह से काटेंगे। क्या खाक काटेंगे, ये वही है जिसके यहाँ गोवा में होटल में मैं रुका था और बिना पैसे दिए आ गया था। अब तो ये हमें काटेगा क्या?